आज आपके द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर विवाद हो सकता है या कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए कुछ फैसले गलत साबित हो सकते हैं। अपना हित पहचानने में आप असफल रह सकते हो और किसी नजदीकी व्यक्ति के ऊपर आपका विश्वास आज गलत साबित हो सकता है। नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी निश्चित रहेगा, आपको आर्थिक लाभ भी होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे और आपके द्वारा लिया गया कोई फैसला गलत साबित हो सकता है। इस वजह से दिन पूरा होने तक आर्थिक रूप से प्रगति करने में आप निष्फल रह सकते हो। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपके द्वारा नए फैसले लिए जाएंगे, नई योजनाएं शुरू हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज आपके द्वारा किया गया निवेश आपको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ देगा। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। कोई नजदीकी पारिवारिक सदस्य आज आपके द्वारा मदद के लिए आ सकता है। संतान से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या आज ज्यादा गंभीर बन सकती है। आपका आरोग्य दिन भर अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। दिन के आखिरी दौर में आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रह सकते हो। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सभी तरह से सकारात्मक रहेगा। शिक्षा और अभ्यास के क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सह विद्यार्थियों के साथ तालमेल बना रहेगा। महिला वर्ग के लिए भी दिन सभी तरह से सकारात्मक रहेगा। महिलाओं का स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं को धन लाभ होगा। बुजुर्गों के लिए भी दिन ज्यादातर मुद्दों पर सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई छोटी मोटी शिकायत बुजुर्गों को रह सकती है किंतु इसके अलावा दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, धन लाभ होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने का भी आज आपको अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ।